चल आप कीजिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेश शर्मा है सर, और गुजरात के गांधीनगर से मैंने अपनी ये साइकिल यात्रा स्टार्ट की है। मेरा कॉज है सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री इंडिया, जो कि हमारे देश के श्रीमान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है। तो उसी अभियान में एक छोटी सी जनभागीदारी में निभा रहा हूँ और पूरे देश में साइकिल यात्रा कर रहा हूँ, और स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं बच्चों को अवेयर कर रहा हूँ कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमें छोड़ना चाहिए। ये कब से कर रहे हैं सर? मैं ये अपने मोदी जी के जन्मदिन के दिन से स्टार्ट किया है, 17 सितंबर को, और गुजरात के गांधीनगर से स्टार्ट किया है। इसके पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं सर यूरोप के जॉर्जिया में था, जहाँ मैं एक कंपनी में जॉब करता था, और वो जॉब रिजाइन करके मैं इस कॉज के लिए। तो ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? एक्चुअली सर ये विचार मेरे एक फेसबुक फ्रेंड है नीलेश शाह करके, तो उन्होंने मुझे एक पक्षी की पिक भेजी थी जो कि एक पॉलीथिन में जकड़ा हुआ था, जिसे हम सिंगल यूज प्लास्टिक बोलते हैं। तो वो पिक इतना मतलब देखने उसने मेरा हृदय परिवर्तन किया, क्योंकि वो पक्षी पूरा जकड़ा हुआ था और वो उसमें से सांस नहीं ले पा रहा था और ना ही वो निकल पा रहा था। तो मतलब मेरे को लगा कि ये सिंगल यूज प्लास्टिक जब इतना सारा मतलब एक किसी पक्षी की जान ले सकता है, तो जब हम लोग तो डिस्पोजल गिलास का यूज करते हैं जिसमें चाय पीते हैं गरम गरम, तो वो चाय जब हम पीते हैं डिस्पोजल गिलास में तो 0.2 मिलीग्राम कैंसर पी जाते हैं। तो जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसके ऊपर मैंने देखा कि कितने सारे नुकसान हैं इसको यूज करने से, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने देश के, क्योंकि इंडिया मेरा देश है पर देश नहीं, मैं अपना घर मानता हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने तरीके से साइकिल यात्रा करूँगा और लोगों को जागरूक करूँगा। इस काम को करने में क्या क्या परेशानी आती है? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है सर। देखिए 150 से 160 किलोमीटर पर डे तो मैं साइकिलिंग करता हूँ, उसके बाद प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं, तो जहाँ मैं प्रोग्राम करता हूँ काफ़ी सारे लोग नेगेटिविटी भी बताते हैं कि आप क्या बदल दोगे, आप अकेले क्या बदल दोगे। तो मैं मेरे लिए उन सभी के लिए एक ही जवाब है मेरे पास कि कोई बदले या ना बदले, मैं बदल रहा हूँ और देश भी बदलेगा।